नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 10 सितंबर 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि पूर्वी लद्दाख में गोकरा और हॉट स्प्रिंग से भारत और चीन के सैनिकों की होगी वापसी और क्या हुआ है समझौता। फिर हम पूजा स्थल कानून के बारे में देखेंगे और यहीं से जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत ने क्यों लगाई चावल के निर्यात पर रोक और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों लगाई रोक। फिर हम देखेंगे कि निजी कंपनियों को हाई स्पीड रेल पहिया बनाने का न्योता क्यों दिया गया और क्या है इसके पीछे मकसद। फिर हम देखेंगे कि अमित शाह ने आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी, तो क्या है ये समिति और इसमें कितने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी मुर्मू, तो हम टीबी के बारे में भी देखेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और किसकी वजह से ये बीमारी होती है। फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन और पर्यावरण से संबंधित कि किस प्रकार चीतों के आते ही भारत बनेगा वन्यजीव के लिहाज से अनूठा देश। यहाँ कुन्नू पालमपुर जो वन्य अभयारण्य उसके बारे में देखेंगे, जो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से उनके बारे में भी एक ओवरव्यू लेंगे और जो चीता की रेड बुक लिस्ट में क्या स्टेटस है उसको भी देखेंगे। और नई खेल नीति तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ये अभिव्यक्ति का टॉपिक है यानी GS2 पॉलिटी से संबंधित। आत्महत्याओं पर अंकुश आवश्यक GS2 फंडामेंटल राइट्स और हेल्थ से संबंधित विषय, इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा अभिव्यक्ति से। फिर आतंकवाद की समाप्ति में बाधक बनता चीन, तो कहीं कि GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और GS3 सिक्योरिटी यानी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है, बॉर्डर एरिया से संबंधित है, तो आप इसे जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने RBI से वेब लोन ऐप की सूची जारी करने को क्यों कहा और किस वजह से, जो प्ले स्टोर से केवल वेब ऐप ही डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसके पीछे क्या है ये कारण देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ब्रिटेन में जो महारानी के निधन के बाद जो शोक है उससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे व इंग्लैंड के मैप के बारे में एनालिसिस करेंगे। फिर हम छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि DNA फिंगरप्रिंट तकनीक क्या है और किस तरह से यह इस्तेमाल में आ रही हैं। फिर हम जो TB बीमारी है उसके बारे में देखेंगे। फिर रेड बुक लिस्ट में जो चीता की स्थिति है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर LAC यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो UT से उसके मैप को देखेंगे। फिर इंग्लैंड के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। फिर जो नेशनल पार्क है उसके बारे में देखेंगे, यानी पालमपुर कुन्नू नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। नेशनल पार्क्स के बारे में देखेंगे, कुछ सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे। और इंग्लैंड को मैप को देखने के बाद हम गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं हम विस्तृत विश्लेषण से। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं, 3 दिनों में होगी चीनी सैनिकों की वापसी। तो पूर्वी लद्दाख में गोखरा और हॉट स्प्रिंग से 12 सितंबर तक अपने क्षेत्रों में लौट आए जाएंगे भारत व चीन के सैनिक। तो कहेंगे पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास विवादित क्षेत्र में घुस आए चीनी सैनिक अगले कुछ दिनों में जो वापसी करेंगे। दोनों देशों के बीच इस बात की सहमति बन गई है कि पूरे LAC के पास मई 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल की जाएगी, यानी जिस तरह से पहले दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने क्षेत्रों से इस इलाके में एक निश्चित दूरी पर तैनात थे वैसे ही स्थिति बहाल होगी। अगले 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान कहीं ना कहीं जो PM मोदी व राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, जिसमें कहीं के बायलेटरल समझौते भी किए जाएंगे। 16वें दौर की वार्ता हुई जिसमें इस तरह की सहमति बनाई गई और गोकरा और हॉट स्प्रिंग इलाके जो PPP 15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की पूरी तरह से वापसी को तैयार हो गए हैं दोनों देश। LAC पर बने ढांचे नष्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ से ढांचे LAC के इलाके में बनाए गए हैं उन्हें नष्ट किया जाएगा और इसका भी एक दूसरे से सत्यापन कराया जाएगा। और इस इलाके में विवाद के शुरू होने से पहले वाली स्थिति बहाल की जाएगी। तो अभी हम
इसका मैप को एनालिसिस करते हैं एक बार एलएसी वाले को। तो जैसा कि हमें पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद कहने के जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है उसको दो यूटी में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया और ये कहने की एलओसी एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर ये जम्मू और श्रीनगर इसकी दो राजधानी होती हैं जो सीजन के हिसाब से बदल दी जाती है, यानी गर्मी सर्दी में इनकी जो राजधानी उनको चेंज कर दिया जाता है। और ये लद्दाख यूटीस हो गया, ये लद्दाख ये कारगिल वाला क्षेत्र, ये लेह, ये पेंगोंग लेक्स, ये हॉट स्प्रिंग वाला क्षेत्र, ये गलवान घाटी, ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये ऑक्यूपाइड जो पीओ एक्साई चीन है जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध में कहने की चीन ने एक तरह से हड़प लिया था। और ये कहने की सब सेक्टर नॉर्थ वाला क्षेत्र हो गया, ये सियाचिन ग्लेशियर, और ये कहीं ना कहीं सक्षम वैली हो गई जिसमें कहीं ना कहीं जो इलीगली सेटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, कहीं ना कहीं चाइना मतलब पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड करके कहीं ना कहीं एक तरह से चाइना को हस्तांतरित कर दी है इलीगली कहीं से। और ये कहीं ना कहीं चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कहीं ना कहीं से पीओके से गुजर रहा है, और ये चाइना नेशनल हाईवे 219 जो अक्साई चीन से होकर गुजर रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से जो काराकोरम यानी केटू रेंज, ये लद्दाख जांस्कर वाली श्रेणी जो सब यहीं पर अवस्थित है, और यहीं से कहीं ना कहीं जो सिंधु नदी है वो होकर निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक अफगानिस्तान से लगती है, एक पाकिस्तान से लगती है, इधर चाइना से लग रही है। दूसरा है कि इन दोनों ने जो बुनियादी ढांचे निर्माण किए हैं वो एक तरह से अवैध है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र में जो निर्माण कार्य कर रखा है इन्होंने, एक तो CEPEC और ये नेशनल हाईवे चाइना का है, दोनों इलीगली है, और ये कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेंटी संप्रभुता और अखंडता के लिए एक तरह से चुनौती बने हुए हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार इनका किस तरह से जवाब देती है। अब बढ़ते हैं हम आगे, टूटे चावल के निर्यात पर रोक। तो चालू खरीफ सीजन में चावल उत्पादन में भारी कमी आने और घरेलू मांग में इजाफा होने से सरकार ने चावल निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, और गैर बासमती चावल निर्यात पर जहां 20% तक का निर्यात शुल्क लगा दिया गया है, तो कहीं जो ब्रोकन चावल यानी चावल के टुकड़े के निर्यात को पूरी तरह से रोक दिया गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि घरेलू खाद्य सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, इससे कहीं ना कहीं महंगाई को भी नियंत्रित किया जाएगा। और दूसरा है फूड सिक्योरिटी यानी जो PDS के थ्रू चावल दिए जाते हैं उनको भी सुनिश्चित किया जाएगा। वह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो गरीबों को और वंचितों को जो मुफ्त में जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया ताकि जो फूड सिक्योरिटी को एक तरह से सुनिश्चित किया जा सके और जो गरीब और वंचितों को जो कम कीमत पर जो गेहूं और धान उपलब्ध कराना भी कहीं ना कहीं एक तरह से इसका लक्ष्य रखा गया था कि यहाँ पर कमी न हो इन चीज़ों की और बाद में हमें आयात न करना पड़े। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर, तो पूजा स्थल कानून पर केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीश की पीठ 11 अक्टूबर को करेगी सुनवाई, वाराणसी और मथुरा की अदालत में चलती रहेगी सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल विशेष प्राविधान कानून 1991 की वैधानिकता परखेगा। कोर्ट ने केंद्र से 2 सप्ताह में कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित केस की सुनवाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं लंबित है जिनमें पूजा स्थल कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। यह कानून कहता है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वही रहेगी। हालांकि इस कानून की परिधि से अयोध्या की राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। याचिकाओं में कानून के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि यह भेदभावपूर्ण है और पूजा अर्चना और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो अब यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात कर ली है तो हम मौलिक अधिकारों का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा
सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सुप्रीम कोर्ट है। तो मौलिक अधिकार, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कुछ विधियों की व्यावृत्ति और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब देख लेते कि इनका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना चार्टा कहा जाता है। तो इस अधिकार पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की थी। यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। और फिर 1689 में कहीं ना कहीं बिल ऑफ राइट्स लाए गए और इसी तरह से इनका एक तरह से जो मौलिक अधिकार है उनका विकास समय के साथ होता गया। अब हम भारत में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। संविधान के बाद 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं और जिसे कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म और संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार नागरिक और रहवासी को राज्य की मनमानी या शोषित नीतियों और कार्यवाही के सामने रक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। अब देख लेते हैं हम मूल अधिकार को। तो सबसे पहला है समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसकी बात कही गई है। तो पहला है कानून के समक्ष समानता। फिर दूसरा है जाति, लिंग, धर्म तथा मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों और महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है। तीसरा, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। फिर इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का आचरण किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना तथा 6 महीने की कैद का प्रावधान भी है। यह प्रावधान भारत संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया है। फिर इसके द्वारा जो 18वां अनुच्छेद है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा और रक्षा से ने उपाधि देने की परंपरा कायम रही है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत इसकी बात कही गई। तो 19 वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविका उपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर अपराधी के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 21 से शिक्षा का अधिकार और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध। फिर आती है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें अभी बात की गई है, अनुच्छेद 25 से 28। तो अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता और इसके अंदर सिखों को कृपाण यानी तलवार रखने की आज़ादी भी प्राप्त है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन व आयोजन की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण,
पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, और इसमें 5 तरह की जो रिट जारी कर सकती हैं संवैधानिक उपचारों के तहत। तो पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तार का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। फिर दूसरा है परमादेश। तो यह उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तीसरा है निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है। फिर चौथा है अधिकार परिषद। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसकी कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। फिर पांचवा है उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। तो इस तरह से हमको फंडामेंटल राइट्स को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। निजी कंपनियों को हाई स्पीड रेल पहिया बनाने का न्योता। तो ट्रेनों के हाई स्पीड पहियों के आयातक रहे भारत ने अब निर्यातक बनने की राह पर चलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे ने घरेलू निजी कंपनियों को हाई स्पीड रेल पहिया बनाने का न्योता दिया है। कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे उनसे कम से कम 80,000 रेल पहिया खरीदने को गारंटी देगा। कंपनियां जो अतिरिक्त उत्पादन करेगी उसका निर्यात किया जा सकेगा। वैश्विक बाजार में हाई स्पीड रेल पहियों की जबरदस्त मांग है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। निजी कंपनियों को हाई स्पीड रेल पहिया बनाने के आमंत्रण के लिए टेंडर दिया गया है ऐसा वैष्णव जी ने बताया है। LHB कोच और हॉर्स पावर यानी 5,000 और 9,000 हॉर्स पावर से जो रेल इंजनों के साथ वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों के लिए 4G तकनीक से तैयार पहियों की जरूरत है। अभी तक ऐसे पहियों का आयातक होता रहा है तो फिलहाल यूक्रेन से हाई स्पीड पहियों खरीदे जा रहे थे लेकिन युद्ध की वजह से पहियों की आपूर्ति ठप है। और फोर्जिंग तकनीक क्या होती है तो उसमें कहने का जो वैष्णव जी ने बताया है कि इसके लिए क्वालिटी वाली पर्याप्त धातु उपलब्ध है और इस तरह से तैयार होने वाली पहियों में हाई स्पीड ताकत और अधिक तापमान को झेलने की क्षमता होती है। और उन्होंने कहा कि देश में मेक इन इंडिया वाली ट्रैक भी तैयार होंगी, इसके लिए भी जल्दी ही टेंडर जारी किए जाएंगे और इसकी खरीद के लिए रेलवे गारंटी युक्त खरीद सुनिश्चित करेगा। तो अधिकतर जो भारतीय रेलवे की शान वंदे भारत ट्रेन तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 180 किलोमीटर रफ्तार की जो सफल परीक्षण सफल रहा तो कहीं के आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं 75 वंदे भारत ट्रेन उतारने का लक्ष्य भी रखा गया है पटरियों पर। तो कहीं का अधिकतर रफ्तार की क्षमता वाले ट्रेन के उत्पादन में तेजी लाई जाएगी और रेलवे अपनी जरूरत पूरा करने के साथ ही बोगी का निर्यात भी करेगा। नए वंदे भारत ट्रेनों में आधुनिक तकनीक के साथ यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। एयर कंडीशनर में एंटीवायरस सिस्टम लगाया गया है। यात्रियों को सुविधा के हिसाब से सीट को एडजस्ट किया जा सकेगा। ट्रैक पर 2 फुट तक पानी भरा होने के बावजूद भी ट्रेन के संचालन में कठिनाइयां पेश नहीं आएगी। तो अब हमको इस खबर को देखना है कि हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग हम बनाना है भारत को, इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा। दूसरा है कि जो भारत का पैसा है भारत के अंदर ही रहेगा। जो फॉरेन रिजर्व की हम बात करते हैं तो हमें आयात नहीं करके हम एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरा है कि इससे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। दूसरा है कि कहीं ना कहीं इससे मेक इन इंडिया और फिलहाल में जो यूक्रेन में और रूस यूक्रेन की युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं एक तरह से जो आयात कर रहे थे हम पहियों का एक तरह से उसमें भी बाधा उत्पन्न हुई थी जिससे कहीं ना कहीं जो हमारी वृद्धि दर है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। और दूसरा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जिस समस्या आती है जब दूसरे देशों में तो एक तरह से उससे हमारी विकास दर प्रभावित होने लग जाती है। तो इस तरह से इस खबर को देखना है कि किस तरह से जो आत्मनिर्भरता की ओर यानी सेल्फ रिलायंस की ओर
ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे कहने के जो बेरोजगार की समस्या है, जो अधोसंरचना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, जो कहने के एक तरह से जो सप्लाई चेन में भारत की जो बढ़ोतरी है ये बढ़ाना है, उसमें हिस्सेदारी को बढ़ाना है, तो किस प्रकार बढ़ाया जाएगा, तो छोटे छोटे कदम उठाकर ही भारत को एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकेगा। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अमित शाह ने आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। तो हिंदी पखवाड़े के शुरू होने के बीच आधिकारिक भाषा की संसदीय समिति के अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू को आधिकारिक भाषा की संसदीय समिति की रिपोर्ट के 11वें अंक को सौंप दिया है। तो कहीं ना कहीं जो समिति में कहीं ना कहीं जो कामकाज की भाषा हिंदी पर अपनी रिपोर्ट दी गई है। ध्यान रहे कि सरकारी कामकाज में हिंदी की प्रगति को दर्शाने वाली इस रिपोर्ट में संसदीय समिति का समय समय पर अपनी समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है। तो आधिकारिक भाषा के विभाग के अनुसार आधिकारिक भाषा की संसदीय समिति का अस्तित्व आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 के तहत आया था। इस समिति का गठन अधिनियम की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया था। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखना है, यानी कहने के हमारे पॉलिटी और कमेटी रिपोर्ट से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। तो देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐसा कहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को देश को 2025 तक टीबी यानी क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए लोगों से युद्ध स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय मित्र पहल की शुरुआत की है। निक्षय 2.0 पोर्टल के जरिए टीबी के मरीजों को सामूहिक समर्थन मुहैया कराने का सरकार की पहल की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने लोगों से इस योजना को जन आंदोलन बनाने की भी अपील की है। और पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि या संस्थान टीबी के मरीज को गोद लेकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। संक्रामक बीमारियों में से टीबी के चलते सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की 20% से भी कम आबादी है, जबकि दुनिया के कुल 25% टीबी के मरीज हैं। और कहने के प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री की नागरिक केंद्रित नीतियों का विस्तार, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। तो अब हमारे एग्जाम प्रस्पेक्टिव से किस प्रकार महत्वपूर्ण, तो हमें पहले तो टीबी के बारे में जान लेते कि ये क्या है, और दूसरा इसमें एक तरह से यहाँ पर स्टेटस दिखाया हुआ है टीबी का। तो ट्यूबर क्लियोसिस यानी टीबी एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कहीं ना कहीं माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ट्यूबर क्लियोसिस जनरली अफेक्टेड द लंग्स बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और सिम्टम्स की बात कर ले तो टीबी आर एक क्रोनिक कप्स विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, फीवर, नाइट स्वीट्स एंड वेट लॉस, यानी एक तरह से वजन कम होना और रात में पसीना आना, बुखार आना, और कहीं ना कहीं जो खून के साथ एक तरह से कफ आना। ट्यूबर क्लोसिस इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट थ्रू द एयर व्हेन पीपल हु हैव एक्टिव टीबी इन देयर लंग्स कफ स्पिट स्पीक और स्नीज, यानी सर्दी खांसी, और कहीं ना कहीं जो एक्टिव टीबी के पेशेंट के संपर्क में आने से भी ये फैलती हैं। वैक्सीन विद द बेसिलस कैलमेट ब्यूरिन यानी बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसका शुरुआती स्टेज में इसका पता लगा लिया जाए तो। इसमें कहने के जो स्पेशलिटी चेस्ट एक्सरे पर्सन विद एडवांस ट्यूबरक्लोसिस, यानी एक तरह से इसका एक्सरे किया गया, उससे पता चला है कि इसको एडवांस टीबी है। इन्फेक्शियस इन बोथ लंग्स यानी दोनों जो लंग्स है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अफेक्टेड हो गए हैं। और इसके अदर नाम्स क्या हैं टीबी के, तो फिटेसिस फिटेसिस और ग्रेट वाइट प्लेग भी कहते हैं इसको। और इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज है। सिम्टम्स की बात करें तो क्रोनिक कफ, फीवर, कफ विथ ब्लडी म्यूकस, फिर वेट लॉस। इसके कारण क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके रिस्क फैक्टर तो स्मोकिंग, एचआईवी और एड्स। इसके डायग्नोस्टिक मेथड क्या है, तो चेस्ट एक्सरे और कल्चर।
यानी कहीं ना कहीं जो कल्चर ऑफ बॉडी फ्लूड्स उसके तहत भी कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्यूबर क्लूनिंग स्किन टेस्ट और एक क्वांटिफेरोन और डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक्स, इसका प्रिवेंशन क्या है तो स्क्रीनिंग दोस एट हाई रिस्क, ट्रीटमेंट ऑफ दोस इन्फेक्टेड, वैक्सीनेशन विद बेसिलस कैलमेट ग्यूरिंग। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखना है कि BCG का वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है, इसका ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल की जाती है, इसकी डेथ का दिखाया हो कि 1.5 मिलियन 2020 के आंकड़ों के अनुसार और फ्रिक्वेंटली 25% ऑफ द पीपल। और ये लक्षण दिखाए हुए हैं सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, तो पुअर अपेटाइट, प्रोडक्टिव कफ, नाइट स्वीटनेस, वीकनेस, फीवर, ड्राई कफ, वेट लॉस और चेस्ट पेन। और रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द टीबी ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। तब बढ़ते हैं हम आगे, अब देखते हैं हम GS3 पर्यावरण कंजर्वेशन से संबंधित। तो चीतों के आते ही भारत बनेगा वन्यजीव के लिहाज से अनूठा देश। तो आज़ादी के अमृत काल में देश को नई कीर्तिमान गढ़ने में लगा है, ऐसा ही एक बड़ा कदम एक वन्यजीव के लिहाज से बनने जा रहा है। भारत दुनिया को एक ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जहाँ बिग कैट प्रजाति के चीतों, शेर, बाघ और तेंदुए जैसे चारों बड़े वन्यजीव पाए जाएंगे। किसी देश में अभी ये चारों वन्यजीव जंगल में नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश के कुन्नू पालमपुर अभ्यारण्य में कहने के चीतों को बसाने की तैयारी की जा रही है। चीते अभी 17 देशों में मिलते हैं, इन देशों में इनकी कुल आबादी करीब 7,000 है। इनकी बड़ी संख्या अफ्रीका देशों में मिलती है जिनमें प्रमुख देशों में अभी चीते पाए जाते हैं, ईरान, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और माली, केन्या, अल्जीरिया, अंगोला आदि शामिल है। भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। कैट के लिहाज से भारत की जलवायु एकदम काफ़ी बेहतर है। तो अब हम इनकी रेड बुक लिस्ट को देखते हैं एक बार। तो ये चीता या रेड बुक लिस्ट, तो इसको एसिनोनिक्स जुपेटस द IUCN रेड लिस्ट में इसकी स्थिति देखते हैं। उससे पहले एक बार ये जो रेड लिस्ट असेसमेंट उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत होती है नॉट इवेल्युएटेड यानी NE, फिर डाटा डिफिशियंट, फिर लिस्ट कंसर्न LC, फिर नियर थ्रिटन NT, फिर आता है वल्नरेबल यानी VU, फिर इंडेंजर्ड EN और क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR और एक्सटेंट इन द वाइल्ड EW और आखिरी में आता है एक्सटेंट यानी EX। और कब असेस्ट किया गया था 2014 में। स्कोप ऑफ असेसमेंट तो ग्लोबली, इसमें मैप में दिखाया हुआ कि कहाँ इनकी लोकेशन अवस्थित है, तो नामीबिया, अंगोला, नामीबिया के बाद इधर साउथ अफ्रीका में और इथोपिया में, कुछ जो अल्जीरिया है, माली है, कुछ नाइजर है, लीबिया है, इधर ईरान है। तो इनकी लोकेशन दिखाई हुई कि कहाँ पर ये अवस्थित है। इनकी पॉपुलेशन दिखाई हुई कि 6,674 यानी करीब 7,000 के आसपास मान सकते हैं। इनकी पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है तो डिक्रीजिंग है। और इनका जीनस कौन सा है तो एसिनोनिक्स, क्लास कौन सी, मेमेलिया की, फैमिली फेलिडे की। और ये नॉट एवेल्युएटेड, डाटा डिफिशियंट, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटेंट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट। तो ये जो असेसमेंट इंफॉर्मेशन इसको हमको एकदम रटा होना चाहिए ताकि कोई सी भी प्रजाति आए तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्टेटस पूछा जाता है कि उसकी स्थिति कौन सी है। और इसकी स्थिति कौन सी, तो वल्नरेबल है। 2014 में असेसमेंट किया गया, 2015 में पब्लिश की गई थी। इसकी ज्योग्राफी रेंज बताई कि कहाँ पर ये अवस्थित हैं, तो अभी हम बात कर ही रहे थे अफ्रीका की, कुछ ईरान की, तो वहाँ पर ये अवस्थित हैं। और ये इसका जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है डिक्रीजिंग, इसकी संख्या दिखाई हुई है। और कहाँ रहता है तो टेरिस्ट्रियल में रहता है। इसका हैबिटेट कैसा है तो सवाना, जड़ और सबलैंड, ग्रास लैंड, डेजर्ट। तो यहाँ इसका हैबिटेट टाइप है। इसकी जनरेशन की लेंथ कितनी होती है तो लगभग 5 साल। इसको खतरा किससे, तो एग्रीकल्चर से, एक्वा कल्चर से, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस कॉरिडोर से, बायोलॉजिकल रिसोर्स यूजेस से, ह्यूमन इंट्रोड्यूशन एंड डिस्टर्बेंस से और इन्वेजन एंड अदर प्रॉब्लमेटिक स्पेसिस जेंस एंड डिजीज। तो इनसे इसको खतरा है। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में
जो प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहीं पर नेशनल पार्क का जिक्र हुआ तो हम देख ही लेते हैं कि कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो कहीं के जो पालमपुर की हम बात करें, पालमपुर कुन्नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी जो राजधानी है भोपाल की उसके उत्तर में अवस्थित है एक तरह से। ये राजस्थान आ गया, इधर उत्तर प्रदेश आ गया, तो राजस्थान के पूर्व की साइड में, इधर गुजरात से सीमा लग रही है, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, तो मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है। दूसरा है पन्ना नेशनल पार्क, इधर संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इधर कान्हा टाइगर रिजर्व, बालघाट हिल फॉरेस्ट रिजर्व, पंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, मेघाट टाइगर रिजर्व और यवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोरणमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। अब ये मध्य प्रदेश, तो ये कुन्नू नेशनल पार्क और इसी के कहीं ना कहीं जो दक्षिण पूर्व में माधव नेशनल पार्क, ये पन्ना नेशनल पार्क, ये कहीं ना कहीं जो विंध्या रेंज है वो एरी, और ये सतपुड़ा रेंज इसके दक्षिण में, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच से ही होकर कहीं ना कहीं जो नर्मदा सन वैली होकर गुजर रही है, यानी नर्मदा नदी, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में एक तरह से अरावली रेंज आ गई है, और कहीं ना कहीं इसके पूर्व में कौन सा नेशनल पार्क है, तो संजय नेशनल पार्क अवस्थित हो गया है। ये सतपुड़ा रेंज के बाद के सतपुड़ा नेशनल पार्क जो सतपुड़ा रेंज पर अवस्थित हैं, और ये महादेव हिल्स, ये मेकाले हिल्स, और ये कान्हा नेशनल पार्क, ये पंच नेशनल पार्क, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क इसके पूर्व की साइड में अवस्थित हो गए ये। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्ले स्टोर से सिर्फ वेत लोन ऐप ही हो सकेंगे डाउनलोड। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवैध लोन ऐप के जरिए हो रहे फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए इस पर लगाम कसने को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्री ने आरबीआई से वेब लोन ऐप की सूची जारी करने को कहा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आरबीआई की तरफ से जारी सिर्फ वेब लोन ऐप ही ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सके। अवैध ऐप लोन कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और शेल कंपनियों में कहीं ना कहीं एक तरह से तो शामिल थे, और उन पर कहीं ना कहीं अब जांच भी बिठाई जाएगी। तो इस खबर को हमें कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से देखना है, सिक्योरिटी से संबंधित देख सकते हैं हम। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, तो उसी को देखते हुए ये खबर महत्वपूर्ण होती है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के सरकारी क्षेत्रों में महारानी के निधन के बाद के घटनाक्रम को ऑपरेशन लंदन ब्रिज का नाम दिया गया है, और प्रिंस चार्ल्स के किंग महाराजा बनने की प्रक्रिया को ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड का नाम दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो अब हम जो ब्रिटेन का मैप है उसको देखते हैं। तो ये जो यूके यानी यूके के अंदर कौन से क्षेत्र शामिल, एक तो इंग्लैंड वाला क्षेत्र, एक वॉल्स और एक स्कॉटलैंड और एक नॉर्थ आयरलैंड, तो ये मिलकर यूके का निर्माण करते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड, वॉल्स और एक इंग्लैंड को शामिल करके ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। अब हम इसमें कौन से क्षेत्र अवस्थित है उसको देखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पेनिन्स जो कहीं ना कहीं जो माउंटेन्स वो अवस्थित हैं, इधर ऊपर की साइड स्कॉटलैंड आ गया है, इधर कहीं ना कहीं जो टेम्स नदी है उसी के किनारे लंदन बसा हुआ है। टेम्स नदी कहीं ना कहीं एक तरह से इंग्लिश चैनल में जाकर अपना जो पानी है उसको छोड़ती हैं, और ये ब्रिस्टल चैनल, ये सेल्टिक सी, ये सेंट जॉर्ज चैनल किसके बीच में अवस्थित है, इधर आयरलैंड और इधर कहीं ना कहीं जो यूके आ गया उसके बीच में आ गया है, ये आयरिश सी, और इधर आइसले ऑफ मैन जो द्वीप है कहीं ना कहीं जो आयरिश सी में अवस्थित है, ये नॉर्थ आयरलैंड इसकी राजधानी बेलफास्ट हो गई, और ये लेक डिस्ट्रिक्ट, और ये लिट्स, यॉर्क, ये शेफील्ड, ये बर्मिंगम जहाँ कहीं ना कहीं भी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था, ये नॉटिंगम, ये कैम्ब्रिज नॉर्वेज, और ये ऑक्सफोर्ड यानी जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है एक तरह से, ये प्लेमाउथ, ये पोर्टस्मिथ, ये बर्मिंगम, ये कहीं ना कहीं जो प्राइम मेरिडियन होकर गुजरी, इसी के किनारे कहीं ना कहीं लंदन अवस्थित आ गया है।
कैम्ब्रिज भी कहीं ना कहीं इसी के पास में अवस्थित है, ये ग्रीनविच जो शहर है उसी के नाम पर ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये कहीं ना कहीं जो शहर ग्रीनविच यहीं पर अवस्थित है। ये डोवर, ये इंग्लिश चैनल इसके दक्षिण में अवस्थित हो गया है। अब हम उसके पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, तो ये नॉर्थ सी इधर कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम में अवस्थित हैं। इधर नॉर्थ सी, ये नॉर्थ अटलांटिक सी माफ कीजिए, और इधर की साइड में नॉर्थ सी अवस्थित हो गया है। और ये एडिनबर्ग और ये स्कॉटलैंड, यहीं पर जो ग्लासगो, जहाँ COP26 की जो सम्मेलन हुआ था, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये नॉर्थन आयरलैंड, और ये बेलफास्ट, ये सेल्टिक सी, ये आयरिश सी, ये इंग्लिश चैनल, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो पोर्ट्समाउथ, इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं इंग्लैंड का पोर्ट्स अवस्थित हैं, ये कैम्ब्रिज नॉर्वेज, और ये टेम्स नदी देख ली हमने, ये ऑक्सफोर्ड, ये ब्रिस्टल, और ये जो फिजिकल मैप है इंग्लैंड का, ये इंग्लैंड, ये वेल्स, ये स्कॉटलैंड, ये बीचों बीच में इसके कौन सी जो माउंटेन्स है, द पेनिंस, ये मैनचेस्टर, ये लिड्स, शेफील्ड, नोटिंगम, बर्मिंगम, और ये लिवरपूल, जहाँ से कहीं ना कहीं जो टाइटेनिक निकला था अमेरिका में नॉर्थ एटलांटिक ओशन से होते हुए न्यूयॉर्क के लिए, और इसमें ये थेम्स नदी हो गई है, ये सेवर्न, ये ट्रेंट नदी, ये नॉर्थ सी, ये स्ट्रेट ऑफ डवर, इंग्लिश चैनल, ये प्लेमाउथ, कॉर्नवाल, डिवोन। तो ऐसा प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है कि ये क्षेत्र किससे संबंधित है, ये वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यानी एक तरह से पश्चिम की साइड, और भारत से यहाँ पर भी पहुँचना है तो कौन से रूट्स हो सकते हैं, भाई हम इसको गूगल मैप में देखने का प्रयास करेंगे। तो ये गूगल मैप हो गया, और ये हमारा प्यारा भारत देश। तो अब हम गुजरात से चलने के करते हैं कहाँ पर, ब्रिटेन चलते हैं। तो हम अरब सागर से होते हुए अदन की खाड़ी से होते हैं, अदन की खाड़ी से होते हुए कहीं ना कहीं जो यहाँ से जिबूटी से होते हुए चलेंगे, और यहाँ पर बाब अल मंडाब की स्ट्रेट से होते हुए, फिर हम रेड सी से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए यानी मिस्र से होते हुए, फिर भूमध्य सागर में इंटर करेंगे। तो भूमध्य सागर में ये साइप्रस जो द्वीप हो गया है, इधर एजियन सी, इधर आयोनियन सी, इधर एड्रियाटिक सी, और ये तिरहेनियन सी सागर से होते हुए हम फिर जिब्राल्टर से होते हुए कहीं ना कहीं बिस्के की खाड़ी से होते हुए कहीं ना कहीं इंग्लिश चैनल पहुंचेंगे, और इंग्लिश चैनल से हम जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन को चलेंगे। तो इस तरह से हम ब्रिटेन पहुंच गए। ये उत्तरी सागर हो गया, ये आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड, ये आइस आइल ऑफ मैन, ये मैनचेस्टर, ये लिड्स, ये लिवरपूल, जो मैं टाइटेनिक की बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं लिवरपूल से होते हुए कहीं ना कहीं जो एटलांटिक ओशन से होते हुए कहीं ना कहीं वो न्यूयॉर्क पहुंचने वाला था, लेकिन बीच में ही कहीं ना कहीं जो बर्फ से टकराने के कारण जो टाइटेनिक जहाज है वो डूब गया था। इसकी लोकेशन कहाँ गई, यूरोप में तो पश्चिम की साइड अवस्थित हो गई है। ये एडिनबर्ग, ये ग्लासगो, जहाँ हम COP26 की बात कर रहे थे, तो अब हम मध्य प्रदेश में चलते हैं। कुन्नू, जो पालमपुर कुन्नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काली सिंध नदी के एक तरह से पूर्व में अवस्थित हो गया है। ये पार्वती नदी, यहाँ इमेज देखते हैं इसके, एक दो
कुन्नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंट्री गेट टिकट टोली। गलत बात है, बैठ गए वैसे। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है। तुम्हारा विश्लेषण ये समाप्त होता है। धन्यवाद।